डॉक्टर, आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन सर। जी, क्या बात है, क्या वजह है, क्यों आपने एहतजाज किया है यहाँ पे आज? तो यही बात है कि हमें 8-9-10 साल हो गया इस तरह कॉलोनी गवर्नमेंट ने दे दिया, फिर तो इसमें कुछ नहीं। यहाँ तो जो जमींदार है वो बोल रहे हैं हमारा पैसा बकाया, हमारे कुछ है बकाया, जमीन में नहीं दे रहे हैं। क्या आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे मकान बनाने की कोशिश की? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके यहाँ पे इस बात पे गौर किया? हाँ, उन्होंने किया, एक बात उन्होंने बोल दिया कि अपने अपनी जगह, मगर जमींदार जो यहाँ था उसने बोल दिया हम रास्ता शास्ता कुछ नहीं दे देंगे, नहीं जमीन यहाँ से हमारी, पैसा बकाया है। जी, आपका नाम क्या है? सज्जाद हुसैन। जी, क्या बात है, क्या वजह है, क्यों आपने आज एहतजाज किया यहाँ पे? यहाँ पे जो ये लोग हैं इनका डैमेज हुआ था, बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको दिया था ज़मीन, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि इनके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना कि इनका कोई लीडर है, ना कुछ। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो जिसने ज़मीन दी है उसके पास पावर भी है, उसके पास लीडर भी है, सब कुछ है उसके पास। इनको बेचारों को दबाया जा रहा है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, खाली इनका ज़मींदार टारगेट कर रहा है, लेकिन इनका खाली रास्ते का मसला है। रास्ते का अगर इनका मसला हल होता तो ये बेचारे अपने मकानों की तामीर कर सकते थे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमालुद्दीन है। जी, इस टाइम में आप कहाँ पे रह रहे हो, कैसे मतलब आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो, क्योंकि 2010 से आज तक कम से कम 12 साल होते हैं, 12 साल आप कैसे आपने अपनी गुजारा किया, कहाँ पे रह रहे हो आप? देखो जी, पहले जब रेलवे आई यहाँ पे तो हमारी जो मकान बने थे वो डैमेज हो गए, सारी ज़मीनें भी डैमेज हो गई। तो उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट ने जो कॉलोनी दी यहाँ पे गुंडी में, तो उसके बाद जब हम यहाँ तामीर करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो मालिक है वो पहले रास्ता दे दिया, उसने बोला आपको रास्ता वास्ता ये, जब वो दुनिया से फानी चले गया तो उसके बाद उसके बाकी जो उसके जो है लड़के हैं उनने बोला जनाब आपका रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद भी हमने 2-3 बार आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लकड़ी भी डाली सब मकान के बनाने के लिए भी, उसके बाद वो लकड़ी हमारी उठ के 10-12 नाग थे वो भी उठा के ले गई, और उसके बाद जनाब जी वो नाग हमारे कहीं नहीं है। तो उसके बाद जब भी हम यहाँ आते हैं, पहले भी आए हमारे बाकी जो जितने भी 20-25 गार हैं वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे बड़ी बहुत बार यहाँ लड़ाई हुई, उसके बाद हमें इधर कॉलोनी में आने नहीं देते हैं, और यहाँ कहते हैं कि अगर आप कॉलोनी में आओगे पहले रास्ता ढूंढो। और लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करते हैं कि जब हमने कोई ज़मीन दी उसको रास्ता तो था पहले, इन्होंने बोला आपको रास्ता ये, लेकिन उस रास्ते गुजरने नहीं देते हैं, तो हमें हम इंतजार कर